पर 8 तरीक की रात को इस बस नालों संपर्क टुट गया क्योंकि जिहड़ा बस जिहड़ा नैविगेशन सिस्टम लगा हुंदा वह भी बंद हो गया। तो उस तो बाद ड्राइवर कनैक्टर के फोन भी उस दिन तो लगातार बंद आ रहे थे। रात समय चाहे कोई पहाड़ खिसकिया जिहदी त्रास दे नाल बस जिहड़ी आ ब्यास दरिया च रुट गई। कुदरती आफत कारण कई जिहड़ियां फसलां ने वह तबाह हो चुकिया ने, घर के घर जिहड़े ने तबाह हो चुके ने। हुण जिहड़ा जानकारी सांझी कीती गई है कि PRTC बस जिहड़ी है ब्यास दरिया दे विच गिर चुकी थी, जिहदा जिहड़ा PRTC नूं पता लग चुका है किन्नियां सवारियां सन, ड्राइवर कितों का सी, कनैक्टर कितों का सी, सारी जानकारी असी PRTC के चेयरमैन रणजोत सिंह हडाणा जी तो लवेंगे। सर, कितने की बस सी, कितने जा रही सी, तो PRTC ड्राइवर तो कनैक्टर कि शहर का सी? सत श्रीकाल जी, ये बस साढ़े चंडीगढ़ डिपो की बस सी जिहड़ी इतों 7 तरीक की रात में इतों शाम को रवाना हुई सी, तो 8 तरीक की शाम तक बस नाल लगातार साडा डिपार्टमेंट का संपर्क बने हुए सीगा। तो उत्थे उस समय 8 तरीक नूं मनाली च डिपार्टमेंट दीआं PRTC दीआं लगभग 5 बसां गईआं होईआं सीगीआं, पर 8 तरीक की रात नूं इस बस नालों संपर्क टुट गया क्योंकि जिहड़ा बस जिहड़ा नैविगेशन सिस्टम लगा हुंदा वह भी बंद हो गया। तो उस तो बाद ड्राइवर कनैक्टर के फोन भी उस दिन तो लगातार बंद आ रहे थे। तो समय समय से साड़ी उत्थे टीमां जाने की कोशिश कर रही सी, पर हालात बहुत ज़्यादा बदतर होने कारण टीमां नहीं पहुँच पाइया। तो अज साड़ी एक इंस्पैक्टर की टीम साड़ी उत्थे एक करीब 11:30 टीम साड़ी उत्थे पहुँची आ, ते जिहड़े बस दे ड्राइवर सीगे सतगुर सिंह उत्थे मंडी होस्पिटल उन्हां दी लाश की शिनाख्त हो चुकी आ। तो होस्पिटल होर भी काफ़ी लाशा उत्थे पईआं वा, ते कंडक्टर की लाश की जिहड़े उन्हां दा नाम सीगा जगसीर सिंह उन्हां दी लाश की भाल अजे जारी है। जिहड़ी सवारियां वाली गल है ना, इहदे बारे अजे शंका बरकरार है। जे गल करिए, बस उत्थे अपने पॉइंट ते लास्ट पॉइंट ते पहुँच के वापस आ रही सी, ते रात नूं इह बस उत्थे पार्क कीती होई सीगी, ते इह उत्थे पार्किंग ते जाण तो वाले स्पॉट ते पहुँचण तो पहलां इन्हां ने किसे ढाबे दे उत्थे खाणा खाधा, ते इह दो बंदिआं ने उतर के उत्थे ढाबे दे खाणा खाधा। सानूं उम्मीद है वी शायद इस त्रास दी च शायद इह ड्राइवर ते कनैक्टर दोनों ही होण, ते कोई होर अणसोखा भी घटना शायद ना वापरी होए भी ज़्यादा सवारियां वाली जिहड़ी गल है। तो जो इनफॉर्मेशन हुण साडी टीम ने सानू उत्थे जाके दित्ती आ, उत्थे जिहड़ी जगह ते इह बसां पार्क रात नूं पार्क होईआं होईआं सीगीआं, किते ना किते अगे रोड चाहे बरसात कारण कोई ढिग्गा डिग्गिया होण जां दरिया नाल सड़क रुड़ गई होवे, इह काफ़ी बसां उत्थे रोड दे उपर पार्क कीतीआं होईआं सीगीआं। तो रात समय चाहे कोई पहाड़ खिसकिया जिहदी त्रास दे नाल इह बस जिहड़ी आ ब्यास दरिया च रुड़ गई। जे गल गल कीती जावे जिहड़ी बस जिहड़ी बस ब्यास दरिया दे विच गिरी आ, उन्हां दे परिवार दे नाल कनैक्टर ते ड्राइवर दे नाल कोई गलबात हुई है तुहाडी? असी औखी घड़ी च उन्हां दोनों परिवारों के नाल हाँ, जिहड़ा कनैक्टर है उस समाणे दे नाल दे नेड़े किसी पिंड दे आ, ते जिहड़े ड्राइवर ने सतगुर सिंह वह पातड़ां तो 10 किलोमीटर की दूरी ते उन्हां दा पिंड है, ते दोनों परिवारों नाल साडा संपर्क बनिया होया। ते हुण जदों साडे उत्थे साडी टीम जिहड़ी पहुंची आ, ते ड्राइवर दे परिवार भी उत्थे पहुंच गया, ते उन्हां दी बॉडी नूं लै के साडी टीम इत्थे वापस आ रही है। ते टीम दे कुछ मैंबर उत्थे रुके हुए हैं जिहड़े बस की शिनाख्त करन वास्ते ते ड्राइवर की सॉरी कनैक्टर की शिनाख्त करन वास्ते उत्थे लगे हुए हैं। सर, जिस तरह आप देखिए हड़प जो हड़ आया सी, जिस तरह आप गल की जाए कोरोना का समा आया सी, तां मुख्यमंत्री साहब ने उस परिवार जिहड़े जिन्हां की मौत हो गई सी, ड्राइवर जां कनैक्टर की मौत हो गई सी, तां उन्हां नूं जिहड़ा कुछ ना कुछ माली सहायता भी दित्ती गई सी, कि इन्हां दे परिवार नूं कोई माली सहायता दित्ती जाएगी क्योंकि परिवार जिहड़ा हुण इस औखी घड़ी दे विच है, PRTC वल्लों की सेवा कीती जाएगी? बिल्कुल, देखो जो भी असीं इन्हां दोनों परिवारों का असीं अपने वल्लों कर सकते हाँ, असीं सवेरे अपनी डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई आ, ते इन्हां दोनों परिवारों की जो बनती है वध तो वध माली सहायता डिपार्टमेंट खुद भी करेगा, ते असीं CMO उस नाल राबता करते हैं, ते कोशिश करते भी सरकार तो ही वध तो वध इस परिवार को जिहड़ी औखी घड़ी च इन्हां परिवार की मदद की जाए। सर, मैं सवाल आ, जिहड़ियां सवारियां विच सन
ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੋਲਵੋ ਹੋਰ ਬੱਸਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਰਕ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਜੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੂਗਾ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਨੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਿੱਕਤ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਅਦਰ 4 ਬੱਸਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਭੇਜਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸਿਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ PRTC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੰਡਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ PRTC ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਨੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਲਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।